नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द लेंथ ऑफ अ वायर बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ सोनोमीटर इज 100 सेंटीमीटर. व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द टू ब्रिजेस बिलो द वायर सो दैट द थ्री सेगमेंट ऑफ द वायर हैव देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो 1:3:5. अगेन फंडामेंटली बहुत अच्छा सवाल है, मुश्किल कतई नहीं है. सवाल को समझेंगे, सिचुएशन देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे. ऑले सो ये आपकी वायर है, लेट अस से इसको हमने यहाँ पे ऐसे सोनोमीटर वायर है ऐसे हमने बांधा हुआ है. टोटल इसकी लेंथ जो है वो अपने को दी हुई है 100 सेंटीमीटर. सो इसको यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ हो गई आपकी 100 सेंटीमीटर. ऑलराइट, अब आपने क्या किया, यहाँ पे दो ब्रिज लगाए, एक ब्रिज यहाँ पे लगाया, एक ब्रिज यहाँ पे कहीं लगाया है, और इसकी लेंथ आपकी L1, L2 और L3 ये तीन आपकी लेंथ हो जाएंगी. और हमें कंडीशन ये दी हुई है कि इनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आएंगी, तो जो यहाँ पे वेव बन रही है, जो यहाँ वेव बन रही है और जो यहाँ वेव बन रही है, इसका जो F1, F2 और F3 है, हमें कहा जा रहा है F1:F2:F3 वो 1:3:5 के रेशो में होना चाहिए. 1:3:5, हाँ. तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशो 1:3:5 होना चाहिए. उसके लिए हमें L1, L2, L3 की वैल्यू बतानी है. अगेन यहाँ पे कोई भी सोनोमीटर वायर है या कोई भी वायर है जो क्लोज एट बोथ हैंड है, उसके लिए हम जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू लिखते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 1/2L√T/μ, क्योंकि इन तीनों सेगमेंट की टेंशन सेम है, मास पर यूनिट लेंथ सेम है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. यानी कि आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का जो रेशो है वो 1/L के रेशो में आएगा. यानी कि आपका जो रेशो आएगा वो ये होएगा आपका L1, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं L इज़ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. है तो हम कह सकते हैं कि L1:L2:L3 इनका जो आपका डिज़ायर्ड रेशो है वो होना चाहिए 1/F1:1/F2:1/F3 इसका रेशो. नाउ L1:L3 का रेशो अगर देखेंगे तो ये तीनों का रेशो जो है ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 1:1/1:3:1:5. अगर इसको इनका कॉमन एलसीएम 15 आ रहा है, अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि L1:L2:L3 इसका जो रेशो आएगा वो होना चाहिए 15:5:3 का रेशो. ये आपका रेशो होना चाहिए. अलग सिमिलरली अपने को एक चीज़ और पता है, तीनों का सम जो है L1 इसका कॉमन रेशो ये है, और लेट अस से इनका कॉमन फैक्टर जो है वो x है. नाइट तो हम ये कह सकते हैं कि L1+L2+L3 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है. ये अपने को यहाँ पे गिवन कंडीशन है, ये 100 सेंटीमीटर है. मान लीजिए इनका कॉमन फैक्टर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15x+5x+3x इज इक्वल टू 100. यानी कि आपका कॉमन फैक्टर x का जो है उसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 15+5 20 और 5 23, यानी कि x की वैल्यू हो गई 100/23. ये आपकी x की फैक्टर हो गई. नाउ अब आपका इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी L1 L2 की. सो L1 की वैल्यू हो गई 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर, L1 हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 100/23, यानी कि हो गया आपका 1500/23. आपका L2 जो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर, यानी कि 500/23. L3 हो गया आपका कॉमन फैक्टर से 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 300/23. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस ये कह सकते हैं कि जो आपका ब्रिज रखा गया है, L1 की जो वैल्यू आएगी ये तो आ गई आपकी यहाँ से 15, ये वाली जो वैल्यू है ये तो L1 की पहले ब्रिज की लोकेशन है. दूसरी ब्रिज की लोकेशन आपकी L1+L2 की लोकेशन है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके. राइट सो आपकी पहली वैल्यू L1 की तो ये हो गई 15/23, दूसरी इन दोनों को ऐड करके आएगा L1+L2, यानी कि आपकी 2000/23 आपके दूसरे ब्रिज की लोकेशन हो जाएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर.